Hey guys, this is Shubham here after a long time on the TechZone YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे OnePlus Note के बारे में, जिसके बारे में मुझे काफ़ी सारी कन्फर्मेशन मिली है किसी इंटरनल की तरफ से. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो किसी ने मुझे कन्फर्म स्पेक्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया OnePlus Note को लेकर. तो आज के वीडियो के अंदर हम सभी बातों को मिला के एक OnePlus Note पे वीडियो बनाएंगे, जो उस इवेंट के अंदर जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ इस वीडियो के अंदर तुम्हें सबको देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से बात स्टार्ट करते हैं. तो डिस्प्ले की बात करते हैं. सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर हमें देखने को मिलेगा 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, क्योंकि जो लीक निकली है उसके अंदर बात आई है कि इसके अंदर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा. तो डिस्प्ले पैनल अगर 90 हर्ट्ज का है तो स्नैपड्रैगन 765G के अंदर अगर QHD प्लस डिस्प्ले दी जाती है तो उसके अंदर 60 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिलेगा. अगर उसके अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले दी जाती है तो वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट तक जा सकती है. इसीलिए हमें इसके अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, QHD डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी. उसके बाद इसके अंदर जो प्रोसेसर है उसकी बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 765G 5G चिपसेट देखने को मिलेगा. इसके अंदर स्नैपड्रैगन का खुद का मॉडेम होगा, X52 5G मॉडेम देखने को मिलेगा. इसके अंदर आपको दो कोर देखने को मिलेंगे कॉर्टेक्स A76 के, और 6 कोर देखने को मिलेंगे कॉर्टेक्स A55 के. और ये प्रोसेसर जो होगा वो 7 नैनोमीटर फिन टेक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड. अगर इसके अंदर हम रैम वेरिएंट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 665G DDR4X रैम को ही सपोर्ट कर. ये तो इसके प्रोसेसर को लेकर बात हो चुकी है, लेकिन अब इसके डिस्प्ले की भी बात हो चुकी है. अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की. जैसा कि कार्ल पाई ने कहा था कि इसके अंदर हमें फ्लैगशिप लेवल जो कैमरा सेटअप है वो देखने को मिलेगा. अभी तक जो र्यूमर सामने आए उसके अंदर 48+8+5+2 मेगापिक्सल का रियर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है. अब इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सोनी IMX686. बाकी जो 3 कैमरा होंगे उनके बारे में अभी सेंसर्स को लेके कोई गारंटी नहीं आई है, लेकिन जो 2 मेगापिक्सल्स का होगा वो शायद मैक्रो हो सकता है, 1 अल्ट्रा वाइड और 1 डेप्थ को लेके दिया जा सकता है. अब इसके जो फ्रंट के अंदर जो सेल्फी है उसकी बात कर ले, इसके अंदर आपको टॉप लेफ्ट के अंदर एक पिल शेप सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि 32+8 मेगापिक्सल की. अभी तक इसके भी सेंसर्स को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है. हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा NFC का सपोर्ट, उसी के साथ ब्लूटूथ 5.1. और जो बैटरी को लेके हम बात करते तो वॉप चार्ज 30T का सपोर्ट देखने को मिलेगा. साथ ही साथ इसकी जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो होगी 4115 mAh. ये भी बैटरी भी काफ़ी पावरफुल है OnePlus Note की, जिसके बारे में मैंने आपको कंफर्मेशन काफ़ी सारी दे चुका हूँ. सर OnePlus Buds भी लॉन्च होंगे, लेकिन इनके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है. एक केस को लेके जो मैक्स जैन ने जो ट्वीट किया था वही केस का जो डिज़ाइन है वही अभी तक सामने आया. बाकी इसके बारे में कुछ सामने नहीं आया OnePlus Buds के जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. और जो भी मैंने OnePlus के बारे में, Note के बारे में जो भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है उन सभी के क्रेडिट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. होप करते हैं किसी नई वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.